तो आपकी हैंड रिटन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, रूटीन में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब 200 क्वेश्चनों में से एक शायद क्वेश्चन ऐसा निकल के आ जाएगा, मतलब इतना टेट है। तो क्वेश्चन ये है, हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। तो एक कंडक्टर वायर है जिसका मास एम है और लेंथ जिसकी एल है, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, बी वेक्टर वर्टिकल है, वायर के साथ बी वेक्टर वर्टिकल है। अमाउंट ऑफ चार्ज, और नॉर्मली क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चन में, ये होता है कि वायर में ना करंट जा रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो वायर फोर्स एक्सपीरियंस करती है, बी आई एल साइन 90, बात खत्म हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, इस वायर में चार्ज पास कर गया क्यू, कॉन्स्टेंट करंट नहीं है, क्यू चार्ज पास कर गया, और वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए। अब सोचो एक वायर है, उसमें क्यू चार्ज छोटे टाइम के लिए पास कर गया, तो उसमें छोटे टाइम के लिए करंट चला गया। तो जब उसमें करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड में वायर पड़ी हुई थी, तो उसमें फोर्स लगी, रादर फोर्स लग के बंद हो गई, झटका लगा फोर्स का, एकदम हिली वायर, हिली बस बैठ गई, तो करंट गया, वायर हिली बैठ गई। तो जितने झटके वाले क्वेश्चन हैं ऐसे कि झटका लग गया और फिर ख़त्म हो गया, ये सब क्वेश्चन इम्पल्स की कैटेगरी में आते हैं। इम्पल्स होता है फोर्स लगी, टी टाइम के लिए लगी, ये इम्पल्स से स्टार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इम्पल्स का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, यहाँ से पता लगता है। आगे वो कह रहे, क्यू चार्ज पास किया सच दैट कंडक्टर बिगिंस टू मूव, जब सारा चार्ज उसमें से पास कर गया तो कंडक्टर हिला, तो हिलने की उसकी वेलोसिटी क्या थी ये बताओ। हिल के रुकना तो है ही उसने, पर जब वो हिला एकदम, उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब वो एकदम हिलेगा और बंद हो जाएगा, ये इम्पल्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है, और इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब जब इसके अंदर करंट गया, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो करंट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, और डी क्यू क्या होता है, आई इंटू डी टी होता है, और टोटल चार्ज क्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होता है। तो चार्ज, टोटल चार्ज की डेफिनेशन है आई डी टी की इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो। तो देखो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर जब करंट गया, चार्ज गया तो करंट भी गया, इंस्टेंटेनियस करंट है वो, तो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस हुई, बी आई एल साइन 90। तो जब फोर्स एक्सपीरियंस हुई वो बी आई एल साइन 90 हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के साथ एंगल 90 बना रहा है। और इम्पल्स कितना लगा छोटे टाइम डी टी के लिए, एफ डी टी, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स, छोटे टाइम के लिए। टोटल इम्पल्स के लिए एफ की वैल्यू को पुट करेंगे बी आई एल, और कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हुए सबको पता है आई डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, चार्ज क्यू, इम्पल्स आ गया फोर्स इंटू टाइम। अब अगर आपको याद हो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम प्लस वन की, जो ये कहती थी कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वायर अच्छी भली आराम कर रही थी, मोमेंटम जीरो था, एकदम झटका लगा, मोमेंटम एम वी हो गया, तो फिर चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, एम वी माइनस जीरो। तो एम वी माइनस जीरो चेंज इन मोमेंटम इस फोर्स इनटू टाइम का इम्पल्स है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दी, एक तरफ से चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया एम वी माइनस जीरो, और एक तरफ से क्या किया, फोर्स इनटू टाइम, इक्वेट करके वी की वैल्यू आ गई, ऑप्शन मार्क कर लेना। दूर दूर तक एनसीईआरटी का तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो कॉम्पिटिशन में भी शायद ना आए, ये तो मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, रेगुलर देखने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है ये। बट कहीं अगर आ जाए तो एटलीस्ट मैंने कहीं ऑब्जेक्टिव से तो लिया ही होगा, किसी ऑब्जेक्टिव बुक में से, तो मैंने नई कैटेगरी को सोचते हुए कि कहीं आई ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर लिया, ठीक है। पर रेगुलर नहीं आता, मैं वैसे बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये नहीं किया। इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे आपको, सुन लो, ऐसे इस टाइप के, ये रेल्स हैं, इन रेल्स पे ये रॉड मूव कर सकती है। बहुत लोग प्लस टू पास कर जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये डायग्राम ऐसा है ही नहीं, रॉड ऐसे मूव ही नहीं कर रही, रॉड ऐसे मूव कर रही है, ये टॉप व्यू है, टेबल के ऊपर रॉड ऐसे चल रही है, टॉप व्यू खींच के यहाँ फोटो लगा रखी है, नहीं तो रॉड गिर नहीं जाएगी फिसल के, यार कुछ सोचने वाली बात है, एनजी से फिसल ही जाएगी। तो रॉड रेल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से है, ये री रॉड, ये रेल्स ऐसे हैं, दो रेल्स हैं, और रॉड जो है वो ऐसी है, ये डायग्राम ऐसा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है, डॉट, तो मेरे को भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिख रहा है, डॉट का मतलब टेबल के ऊपर मेरी तरफ आ रहा है ऐसे, डॉट, तो इमेजिन कर पा रहे हो इसे। तो ये इसका डायग्राम है। तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, मैं स्विच ऑन करने वाला हूँ, मैं जैसे ही स्विच ऑन करूँगा
जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो करंट रिलीज करेगा, ऐसे करंट सर्किट कंप्लीट करेगा और करंट वापस आ जाएगा जब मैं ज्वाइन करूँगा। तो करंट घूम गया। अब करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, कितनी? बी आई एल साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एल के साथ 90 डिग्री पे है और लेंथ रॉड की कितनी है? बी है, तो बी आई बी साइन 90। डायरेक्शन बोलो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है? बोर्ड के बाहर, ये रहा। करंट कैसे है? ऊपर। फोर्स कहाँ लगेगी? इस तरफ। तो रॉड मूव करना शुरू कर देगी बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ बी आई बी साइन 90। इतनी फोर्स लग गई रॉड के ऊपर और रॉड ने मूव करना शुरू कर दिया। अब टोटल रेल की जो लेंथ है वो एल है, या ऐसा बोल सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एल लेंथ तक था, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एल लेंथ तक प्रेजेंट था। तो मैग्नेटिक, जब तक ये करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स तो लगाता रहेगा बी आई पी, जब तक ये फील्ड में प्रेजेंट है तब तक फोर्स लगती रहेगी। अब हुआ क्या, रॉड ने राइट मूव करना शुरू कर दिया, मास रॉड का एम है, लेकिन यहां पर रेल्स में क्या थी? फ्रिक्शन थी, फ्रिक्शन, तो मतलब ठीक तरह मूव नहीं कर पाई और फ्रिक्शन ने इसको रोक दिया, ये एल लेंथ तक जा ही नहीं पाई। तो ये कितने डिस्टेंस तक गई ये क्वेश्चन है। तो रॉड एल लेंथ तक नहीं गई, एक्स लेंथ तक गई, तो एक्स क्या होगा ये क्वेश्चन है। और क्यों आगे जाना पाई? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये जा नहीं पाएगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आ जाए तो एक ही रूल लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी आई बी कितनी लंबाई तक प्रेजेंट है? एल लेंथ तक। तो वो तो पूरा वर्क डन करेगा बी आई बी इंटू एल तक, ये टोटल वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट फ्रिक्शन इतना होने नहीं देगा, ये टोटल एनर्जी बोल सकती हो, मैग्नेटिक फील्ड ने इतनी एनर्जी लगा दी कि चल तू एल लेंथ तक जा सकती है, पर लेकिन सारी एनर्जी खराब कर दी किसने? फ्रिक्शन ने। और फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? एक्स तक किया और उसको एक्स डिस्टेंस पर रोक दिया। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड ने जो एनर्जी जनरेट की या जो वर्क डन किया उससे फ्रिक्शन ने ओवरकम कर दिया एफ इंटू एक्स, तो ये वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड है ओवरकम बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ने एक्स डिस्टेंस पर रोक दिया। और फ्रिक्शन की वैल्यू होती क्या है? म्यू टाइम्स एम जी। तो निकाल लेना एक्स का ऑप्शन, मार्क कर लेना, ऑब्जेक्टिव में एक्स आ जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कई लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने यहाँ एल लिया यहाँ एक्स लिया, ये क्या बात बनी? टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो तब तक ही फोर्स लगाएगा जब तक वो मूव करेगी, जब मूव करना रुक गई तो फिर ये एक्स्ट्रा वर्क डन क्यों ले लिया आपने? अब आप मेरे आंसर दो। चलो रॉड को मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स नहीं लगाई, चलो मैंने लगाई, ये लो मैंने रॉड को ये 10 जूल की एनर्जी दी। अब तो मुझे ये नहीं कह सकते वो 10 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड थी ताकि रॉड बिल्कुल एंड तक पहुंच जाए, मैंने उसको 10 दे दी पर लेकिन वो जा नहीं पाई क्योंकि फ्रिक्शन ने काफी काम किया उसको एक्स पे रोक दिया। तो तुम क्या कहोगे? इसकी एनर्जी 10 जूल इज इक्वल टू एफ इनटू एक्स। अब ये मेरे से तो पूरी ले गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड से पूरी एनर्जी ले गया वो, लेकिन फ्रिक्शन ने उतना काम करके उसको एक्स पे रोक दिया। तो इसलिए ये एनर्जी आपने एल के हिसाब से लेनी है और ये आपने एक्स के हिसाब से ही लेनी है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिख जाए तो कैसे करनी है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में प्लस वन का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है तो ये बोर्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड वाले बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन देते नहीं है जिसमें इम्पल्स फ्रिक्शन प्लस वन का कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज होता हो, बिल्कुल भी नहीं देंगे वो। कोर सिर्फ प्लस टू ही देंगे बोर्ड में बस, वो बिल्कुल भी प्लस वन के साथ एसोसिएटेड कुछ चीज़ देते नहीं है। तो एटलीस्ट इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। आपको किसी ऑब्जेक्टिव बुक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे तो उस टाइप को कैसे हैंडल करना है ये इसलिए दिखाया जा रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये कैपेसिटर है, ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाला और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है डॉट 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 डॉट, इलेक्ट्रिक प्लेट को सीधा खींच रही है, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को सीधा खींच रही है पर मैग्नेटिक फील्ड इसको कर्व कर रहा है, सर्कल में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाने की कोशिश कर रहा है
तो क्वेश्चन है, और ये डिस्टेंस डी गिवन है, कैपेसिटर की प्लेट्स में पोटेंशियल वी गिवन है, क्वेश्चन है शो दैट इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक अपर प्लेट अगर डी ग्रेटर देन ये टर्म है। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट को स्ट्राइक नहीं कर पाएगा अगर मेरा डी उस टर्म के ग्रेटर है। आप मुझे ये बताओ कि आप क्या चाहते हो इसमें, आप ये चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट को स्ट्राइक ना करे, तो आप ये चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन आए और ऐसा चला जाए, उसको टच ना करे, और अगर वो टच ना करे तो उसका जो रेडियस है आर वो तो कम से कम, या उल्टा बोलते हैं जो डी की वैल्यू है वो कम से कम आर से तो बड़ी होनी ही चाहिए, क्योंकि प्लेट्स का सेपरेशन डी है और हम इसको किस में घुमा रहे हैं, इन रेडियस आर, तो डी जो है वो आर से तो बड़ा होना चाहिए। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये कंडीशन है ताकि ये अपर प्लेट को टच ना करे, और मेरे को लग भी रहा है कुछ ऐसा ही होने वाला है डी ग्रेटर देन आर, तो ये ना छुपी हुई वैल्यू है आर की। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें गिवन है, मैं मतलब ये सोल्यूशन तो मैंने बहुत लंबा कर दिया गलती से, ये तो एक लाइन का सोल्यूशन है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ आर का फॉर्मूला पोटेंशियल की फॉर्म में क्या गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वी दिख रहा है, तो बोलो क्या था, 2mqv, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो क्यू वी डिवाइडेड बाय बी इंटू क्यू, ऐसी तरह फॉर्मूला एनर्जी की फॉर्म में या पोटेंशियल की फॉर्म में ये फॉर्मूला करवाया था मैंने रेडियस का, चार्ज इंटू पोटेंशियल बाय चार्ज इंटू बी। अब एक काम करो, डी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ तुम 2mev डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर ई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ले जाओ, क्योंकि यहां पर होल अंडर रूट चल रहा है, तो इसे कैंसिल करो, ई से ई कैंसल, तो आपके पास चेक करो ये आंसर आ गया, अंडर रूट है 2m। तो कई लोग कहते हैं ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है, नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ई से ई कट गया, ये आंसर आ गया, हो गया प्रूफ, एक लाइन में प्रूफ हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक कि जो डी की वैल्यू है वो आर से क्या होनी चाहिए, बड़ी, और आर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, इसको अंडर रूट के अंदर लेके जाओगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो प्रूव करना है वो आंसर आ जाएगा। तो इतना बड़ा सोल्यूशन आपको करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में डन कर दो। तो ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव आए तो क्या रूल लगाना है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, ये अंदर ले जाओगे तो अपने आप ऑप्शन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव आपको। तो ये तो बहुत लंबा कर दिया, इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी, ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक? वैसे जो लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनको ना यहां से आर दिखना शुरू भी हो जाता है, यहां से कि कुछ आर ही लग रहा है, 2mvbq फीलिंग तो आ ही रही है आर की, तो कुछ ना कुछ तो वो कर ही आएंगे पेपर में, सही है। नेक्स्ट, इस टाइप की प्रॉब्लम में ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, टेंशन की वैल्यू BIR मैंने शॉर्टकट करवा दिया था, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, ये नहीं किया था। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको ये फिगर ऐसी गिवन होगी क्वेश्चन में और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा एग्जैक्टली इसके सेंटर पे। मैंने ये फिर से क्वेश्चन बहुत लंबा कर दिया, इतना करने की जरूरत नहीं थी मेरे को, जब मैंने कर दिया और दूसरे पेज में डिस्कस भी कर दिया तो मुझे लगा पेन को हाथ भी क्यों लगा रहा हूँ, ये तो वैसे ही हो गया। कैसे, ये करंट आया, ये करंट आई बाहर जाएगा, लेफ्ट में कितना जाएगा I/2, राइट में भी कितना जाएगा I/2, फिर इधर भी कितना आएगा I/2, इधर भी कितना आएगा I/2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ, ये जो करंट है वो यहाँ पर बी जनरेट करेगा, डायरेक्शन बोलो, ये रहा करंट, बी वेक्टर कैसे होगा, बोर्ड के इनसाइड, और ये क्या करेगा, ये करंट ऐसे है, ये कैसे करेगा, बोर्ड के आउटसाइड, तो इसका और इसका भी आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इधर देख लो, ये करंट इधर है, बी कैसे जनरेट होगा, ओ पॉइंट पर बाहर, और इसके अंदर करंट इधर है तो बी कैसे जनरेट होगा अंदर, तो ये अफेक्ट भी आपस में कैंसल है। मैं पेन को हाथ क्यों लगा रहा हूं, नेट आंसर 0 है।
फिर स्टूडेंट कहता है ये भी क्यों कर रहे हो, और छोटा सुनो। मैंने कहा क्या? कहता देखो ये वायर सोचो या घूम के आ रही है, तो देखो अगर घूमने वाली वायर है ये करंट भी कैसे जनरेट करेगा बाहर, और ऐसी ये ऐसे घूम रही है तो कैसे जनरेट करेगा इनसाइड। आंसर वैसे भी जीरो ही है, ठीक है यहां तक। तो कोई कहता इतना भी क्यों कर रहे हो भाई, जब करंट लेफ्ट और राइट पे आ रहा है और आपका पॉइंट मिड पॉइंट पे, ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिए आंसर तो हमेशा जीरो ही आता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट का पास करता हुआ करंट सेंटर के बी को क्या कर जाता है, कैंसल। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ना कुछ ज्यादा ही कर दिया, मैं तो बी की वैल्यू निकाल नहीं बैठ गया इसमें, मैंने निकाल भी दी, फिर निकाल के पता लगा कि करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है यहाँ तक कोई बात नहीं, हो गया। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइन, टी इज इक्वल टू जीरो पे द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटी ऑफ बी। इन शॉर्ट ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को आपने वी वेलोसिटी से यहाँ फेंक दिया, तो मुझे बताओ दे विल मूव इन अ सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो सर्कल में मूव करता है। अब सर्कल में कैसे मूव करेगा, सर्कल में ऐसे मूव करेगा ये पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घूम जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज क्लॉकवाइज सर्कल में घूम जाएगा, तो ये दोनों ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। ठीक है यहां तक ये सिचुएशन क्लियर है? ओके क्वेश्चन ये है, वो कह रहे कि ठीक है मैंने वी वी वेलोसिटी से दोनों को फेंक दिया, आप मुझे ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी वीएम क्या होगी, इन पार्टिकल्स की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी ताकि ये पार्टिकल्स टक्कर ना खाएं। तो अगर ये मैक्सिमम ना पूछता और मुझसे पूछता वेलोसिटी क्या होगी, मैं कहता तुम ना हल्के से फेंक दो, हल्के से ऐसे। मैंने कहा हल्के क्यों? कहते देखो अपना छोटा सर्कल काट के हट जाएंगे, इनका एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी स्लो है ना, तो अपने छोटे सर्कल काटते रहेंगे। फिर मैंने कहा तो इनफाइनाइट वेलोसिटीज हैं, तो मैंने कहा अगर ज्यादा दूर ज्यादा तेज फेंक दें कहते टक्कर हो सकती है रास्ते में, ज्यादा बड़ा सर्कल में टक्कर हो सकती है, पर तुमने टक्कर नहीं करानी। क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो कि बस वो बाल बाल ऐसे बच जाएं, ऐसे चले जाएं, बस वो वेलोसिटी बताओ कि टक्कर बिल्कुल बच जाए और ऐसे टच करते हुए चले जाएं। तो आपका डायग्राम क्या होना चाहिए ऐसा, ये क्वेश्चन है। सिचुएशन नंबर वन क्लियर है? तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है क्या होगी ताकि ये पार्टिकल ऐसे चले जाएं और इनके सेंटर के बीच में दूरी जो है वो d है। सेंटर के बीच में क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी v थी और यहाँ पर भी वेलोसिटी v थी, इस पार्टिकल को ऐसे फेंका था और इसको ऐसे फेंका था और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है d था, तो दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या है d है। तो ये क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात समझ में आती है कि ये डिस्टेंस कितना है, डी है, सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, तो ये r है, ये r है, r प्लस r 2r, तो यहां पर d इज इक्वल टू 2r का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो यानी कि अगर ये पार्टिकल्स ऐसे टच करते हुए जाते हैं तो इनके बीच में ये दूरी क्या है d, और ये d किसके इक्वल होगी 2r। तो अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी का केस सॉल्व करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन आपकी क्या बननी चाहिए, d मस्ट बी इक्वल टू 2r। ये पॉइंट समझ में आया क्यों, ये बात समझ में आ रही है क्यों, d इज इक्वल टू 2r क्यों? फिर से देखो d इज इक्वल टू 2r इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये पार्टिकल ऐसे आ जाए, मैं ये चाहता हूं कि ये वाला पार्टिकल स्टार्ट होके ऐसा चला जाए, सर्कल बना लेना, इमेजिन सर्कल है ये, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, और इनके बीच में स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्टेंस कितना गिवन है d, इसके ऊपर इसका सेंटर है, इसके ऊपर इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना है d, d का मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा r प्लस r 2r। तो यानी कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो d 2r के इक्वल तो होना ही चाहिए, आंसर आ गया, क्योंकि r का फॉर्मूला तो आपको रटा पड़ा है mv बाय vq, और क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस है तो वेलोसिटी यहां पर ऑटोमेटिकली क्या पाई जाएगी, मैक्सिमम।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी मैक्स आंसर। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक, बहुत सही क्वेश्चन है ये कि अगर क्वेश्चन आ जाए और टच करते चला जाए तो डी की वैल्यू क्या होगी, 2R। अभी खत्म नहीं हुआ, अब वो ये कहते हैं अगर मैंने वी मैक्स से इसको फेंका तो ये बिल्कुल टच करते वैसे चले जाएंगे, चलो मैं स्लो फेंकता हूं। तो बी पार्ट में गिवन है कि मैं उसको मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 से फेंकता हूं, अब गारंटी या टक्कर नहीं होगी, अब ये अपना सर्कल काटेगा और ये अपना सर्कल काट जाएगा, ऐसे नहीं काटेंगे ना, तो अब ये अपना क्योंकि वेलोसिटी स्लो है तो ये अपने अपने सर्कल काट जाएंगे। तो जब ये अपने अपने सर्कल काट रहे होंगे तो इनमें मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? अब मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब ये पार्टिकल इधर और ये पार्टिकल इधर है, ये मिनिमम सेपरेशन है जो कि किसके इक्वल है, डी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, आर और आर, 2R। तो d माइनस 2R इसमें क्या पाया जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस के बीच में, सही है यहां तक, d माइनस 2R। क्यों? क्योंकि मेरे को मिनिमम डिस्टेंस का मतलब कि जब ये घूम रहे होंगे तो मिनिमम दूरी तब होगी जब ये पार्टिकल यहां पे होंगे, और ये डिस्टेंस क्या होगा, d में से 2R को माइनस कर दें, और मैक्सिमम दूरी इनकी कब होगी, जब ये पार्टिकल यहां और यहां होंगे, बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पे होंगे, बिल्कुल डायमेट्रिकली बिल्कुल कोनों पे होंगे, तो ये दूरी इनके बीच में क्या होगी, मैक्सिमम होगी घूमते घूमते, और ये किसके इक्वल होगी, डी प्लस 2R। ये डी है, डी में आर और आर और ऐड हो जाएगा, ये डी है, डी में आर और आर और ऐड हो गया, तो डी प्लस 2R। तो मिनिमम दूरी क्या होगी, डी माइनस 2R, और मैक्सिमम दूरी क्या होगी, डी प्लस 2R। अब तुम्हें आर तो आता ही है, रटा पड़ा है एम वी बाय वी क्यू, और तुम वेलोसिटी को यहां पर क्या पुट करने वाले हो, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बी पार्ट में गिवन है कि वेलोसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 होनी चाहिए, तो तुमने वी मैक्स बाय 2 कर दिया, पर वी मैक्स की वैल्यू ए पार्ट में ऑलरेडी पता है आपको, तो ए पार्ट से वी मैक्स उठा के यहां पर पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहां से आर की वैल्यू क्या जाएगी, डी बाय 4। अब मिनिमम दूरी क्या होगी, डी माइनस 2R में आर की जगह डी बाय 4, और मैक्सिमम दूरी में आर की जगह डी बाय 4 आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, मिनिमम और मैक्सिमम दूरी का क्या होगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है यहां तक, और खत्म अभी नहीं हुआ। अब वो कहते हैं एक काम करते हैं, पहले मैंने वी मैक्स पे फेंका तो ये ऐसे चले गए, जब मैंने कम वेलोसिटी फेंका तो अपने सर्कल बना गए, अब मैं इनको फेंकूंगा विद डबल द वेलोसिटी ऑफ मैक्स, अब तो गारंटी है बहुत तेज आ रहे हैं, इनकी टक्कर होनी होनी है, इनकी कोलिजन हो जानी है। तो इनकी कोलिजन कितने एंगल पे होगी ये बताओ, सेंटर पे एंगल क्या होगा ये बताओ। तो इमेजिन करो ये पार्टिकल यहां आ रहा था और यहां पहुंचा, और ये पार्टिकल इधर आ रहा था यहां पहुंचा, इनकी टक्कर यहां पे होगी। तो जब इनकी कोलिजन यहां पे होगी तो इस आर का सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, ये एंगल सेंटर पे थीटा थीटा होगा, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब ये यहां से चले थे, और जब चले थे तो डिस्टेंस इनके बीच में कितना था, डी, और डी इस केस में क्या है, 2R साइन थीटा। तो जब इनकी टक्कर होगी तो कंडीशन क्या है, डी क्या होगा, 2R साइन थीटा, और आपको थीटा निकालना है, ठीक है यहां तक। तो देखो ना, ये यहां से चला, ये यहां से चला, इनके बीच में दूरी कितनी है, डी, तो ये इनकी टक्कर हो गई, ज्योमेट्री बनाई इसकी और इसकी, इस ज्योमेट्री में आर से आर साइन थीटा, आर साइन थीटा निकला, और d इज इक्वल टू 2R साइन थीटा की कंडीशन लगा दी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां टक्कर होनी ही है। तो यहां पे अब r तो रटा पड़ा है mv by bq, पर यहां पर वेलोसिटी क्या पुट करेंगे, 2 टाइम्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला a पार्ट से b यहां पे पुट कर दो और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अपने आप सब कट जाएगा, साइन थीटा हाफ आएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। टेढ़ा क्वेश्चन है, जब पहली बार करोगे होगा भी नहीं वैसे बता रहा हूं, मेरे को पता है मैंने लिखा है, ये है तो ये एडवांस लेवल ही यार, ये मेंस का तो नहीं, तोड़ के कोई दे दे मैं कह नहीं सकता। ओके, ये एडवांस भी नहीं है, मेंस भी नहीं, अच्छी वर्मा का क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको, ये बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे ऊपर मैंने बताया, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उस बुक से करना बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत चीज़ें रिपीट होती हैं, हो सकता है किसी किसी जो पेपर बनाता है उसमें पढ़ रखी होगी, पक्का पढ़ रखी होगी, उसको उसको भी पता होगा कि यार वो अच्छी बुक है, उसको पता है कि ये चैप्टर उसमें से ठीक है। और देखो ना, ये क्वेश्चन किसी किताब में मिलेगा नहीं आपको, से उसी में मिलेगा, जिस मर्जी किताब में देख लो ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो
तो ऑब्वियसली एक अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, कल को आ गया तो मैं क्या कह सकता हूँ यार। मैंने सोचा था वो ऑब्जेक्टिव शीट वाला क्वेश्चन आएगा पावर वाला, मैंने नहीं सोचा था, तो मैंने ये भी सोचा ही आएगा, पर आपको कॉन्सेप्ट तो पता लग गया। आ गया तो ठीक है, आज तक तो आया ना, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है हमने तो देख लिया। ठीक है, ये बाइट सर्वट लॉ की प्रॉब्लम है, ये करेंगे ऐसे आते हैं, ये रहा मेंस, तेरा मेंस और नीट, ये रहा ऐसा आता है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, देखो ऐसे आएंगे। देख बात ऐसी है, मेंस और नीट आज के ट्रेंड में बहुत सिंपल आ रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी को टच करता हुआ आता है, बहुत मुश्किल नहीं पेपर आता, बट ये पता नहीं है क्या होगा, और जो आजकल चल रहा है एनटीए के साथ, वो फिर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि क्या होगा, क्या पता पेपर बनाने को देंगे ना दें, मुझे ये भी डाउट ही लग रहा है, और अगर दे भी देंगे या नहीं देंगे, या देखो इस बार तो अलर्ट होंगे कि गलती नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा ना हो कि अच्छे अच्छे बंदे बिठा दें, इस बार पेपर बनाओ 720 आए कैसे, मत पूरे इंडिया में 720 ही आने चाहिए इस बार, जो मर्जी हो जाए, है ना, मजाक उड़ता है, तो कहीं ना कहीं लेवल चेंज हो सकता है, और कहीं वो गुस्सा मेंस के ऊपर भी निकला है कहीं, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए, पता थोड़ा ना लगता है यार, है नहीं। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत देखने को मिलेगा आपको, इसके अंदर ये गिवन होगा कि एक स्प्रिंग बैलेंस है और एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, पहले करंट कैसे जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इसमें, पहले ये बताओ कि करंट कैरिंग लूप लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स कहाँ, फ्लेमिंग का रूल लगाओ, बी बोर्ड के अंदर है, करंट राइट है, फोर्स ऊपर है, तो यहां पर फोर्स कहां लगेगी, ऊपर लगेगी, कितनी, बी आई एल, इस रॉड का वेट कितना है, एम जी है, और इस रस्सी में क्या जाएगी, टेंशन टी, टेंशन टी, तो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, टी ऊपर की फोर्स, बी आई एल ऊपर की फोर्स, नीचे की फोर्स क्या है, एम जी, तो टेंशन मान लो टी वन है पहले इसमें, तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, एम जी माइनस बी आई एल, तो पहला स्टेप क्लियर है, टेंशन की वैल्यू एम जी माइनस बी एल, ये सिचुएशन थी। वो कहते हैं करंट की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी, जैसी करंट की डायरेक्शन आपने चेंज की, यहां ऐसी हो गई, अब वेट तो अभी भी कहां एक्ट कर रहा है, नीचे, अब ये फोर्स जो पहले ऊपर एक्ट कर रही थी वो कहां एक्ट करेगी, नीचे, अब यहां पे उस चक्कर में टेंशन कितनी हो गई, टी टू चेंज हो गई, अब ये टी टू क्या होगा, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, टेंशन बढ़ गई, क्वेश्चन है चेंज इन टेंशन बताओ क्या है, तो ये आपकी इनिशियल टेंशन थी, ये आपकी फाइनल टेंशन है, चेंज इन टेंशन क्या होगी, फाइनल टेंशन माइनस इनिशियल टेंशन, वेट से वेट कैंसिल हो जाएगा, टू टाइम बी आई एल, और यहां पर लेंथ ऑफ द रॉड ए गिवन है, ऑब्जेक्टिव आंसर मार्क कर लेना, समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो
तो पहले टेंशन ऊपर है, फिर पहले टेंशन टी वन है, फिर टेंशन टी टू है, टेंशन चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि बी आई एल की वैल्यू कभी ऊपर है कभी नीचे है, जो टेंशन को चेंज कर रही है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे फिर से आ गया ये रॉड वाला क्वेश्चन, फिर ये टॉप व्यू है टेबल के ऊपर और रॉड स्लाइड करने वाली है। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन है एक ना वायर है, ये रॉड है पी क्यू, और बैटरी लगी हुई है, बैटरी है तो करंट भी है, इसमें करंट भी होगा, करंट कैरिंग वायर है तो अब मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगी, बी आई एल साइन 90 तो होना ही है, तो रॉड को तो मूव करना ही है, जैसे भी मूव करेगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये रेल्स आर सेपरेटेड बाय 4.9 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज डिक्रीज, इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को मैंने गिरा दिया, कम कर दी, तो अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो बोलो सर्किट के अंदर करंट बढ़ेगा। आई इज इक्वल टू वी बाई आर ना, आर कम होगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा इसमें, करंट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी बी आई एल में, क्योंकि आई बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी, पहले करंट था ही नहीं तो फोर्स थी नहीं, करंट बढ़ा फोर्स बढ़ी, करंट और बढ़ा फोर्स बढ़ी, करंट बढ़ा फोर्स बढ़ी। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने रेजिस्टेंस को 20 ओम तक कर दिया, 20 ओम कर दिया, तो पी क्यू स्टार्ट स्लाइडिंग, अब पी क्यू ने मूव करना शुरू किया, फिर पहले क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि क्या थी? फ्रिक्शन थी, और इसलिए तो यहां पर म्यू रेजिस्टेंस का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं, हो तो करंट कंट्रोल कर रही है, इसलिए नहीं चल पा रही थी क्योंकि क्या प्रेजेंट थी? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसको चलने नहीं दे रही थी। अब वो कह रहा है कि म्यू बताओ क्या हो, जब आपको ये पता लग गया कि रेजिस्टेंस 20 ओम पे से चलना शुरू कर दिया, एक्सलरेट नहीं किया, हल्की सी हिल गई, पर इतना ही बहुत है, तो मुझे ये बताओ कि जब 20 ओम की रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट कितना होगा? 6/20 करंट आ गया, इस वायर में करंट जाएगा तो फोर्स कितनी होगी? बी आई एल, बी आई एल फोर्स से मूव करेगा। अब ये याद करो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस, बॉडी को हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए थी? स्टैटिक म्यू टाइम्स एमजी, और आपने भी अप्लाई कर दी बी आई एल, तो बेसिकली जो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसने फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, उसके बराबर फोर्स कर दी, अब बॉडी मूव कर सकती है विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब ये चीज़ याद रखना एक मिनट के लिए, अगर इसी क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपने यहाँ पर फोर्स लगाई बी आई एल और फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी म्यू टाइम एम जी, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रॉड एक्सलरेट कर रही है, फिर आप क्या करोगे? बी आई एल माइनस म्यू टाइम एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, फिर क्वेश्चन ऐसे चलेगा। लेकिन उसने कहा बस जस्ट एबल टू मूव, बस हिल गई, या उसने बिल्कुल नहीं कहा एक्सलरेशन, तो हम वेलोसिटी क्या मानेंगे? कॉन्स्टेंट। तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट का मतलब एक्सलरेशन क्या मानेंगे? जीरो। इसका मतलब बी आई एल किसके इक्वल होगा? म्यू टाइम्स एम जी। तो ये कंडीशन समझ में आ रही है कि आपकी अप्लाइड फोर्स ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया, यहाँ से सब कुछ गिवन है, बी पता है, आई पता है, एल पता है, एम पता है, जी पता है, म्यू निकाल लेना आंसर आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है वैरायटी एनर्जी से कैसे करना है, और एक क्वेश्चन है फोर्स से कैसे करना है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अब जो क्वेश्चन आपके किसी ऑब्जेक्टिव में बुक में मिलेगा, आपको दोनों क्वेश्चन को करने का एक्सपीरियंस पता है कि क्या करना है, ठीक है यहाँ तक?
ये हमने कर लिया था, ये हमने नहीं करना क्योंकि अभी टॉर्क हमने किया नहीं है।